उत्तराखंड के हरिद्वार सीट से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अपना रोड शो कर रही है और शक्ति प्रदर्शन का माहौल बना हुआ है और कांग्रेस के सीएम हरीश रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं और हरीश रावत जी अब एक रोड शो में शामिल हो चुके हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार क्या कुछ मुद्दे होंगे चुनाव के, क्या कुछ एजेंडा तय किया जाएगा और किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अब एजेंडे की बात होगी, मुद्दे की बात होगी और इसके लिए साथ है कांग्रेस के सीएम, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस एजेंडे पे चुनाव है इस बार? ये हमारा एजेंडा शाश्वत रूप से विकास का है, निर्माण का है और जन कल्याण का है। हम उसी पर जनादेश मांग रहे हैं, उसी पर जनादेश मांग रहे हैं। हरिद्वार की जो जनता है, हरिद्वार की जनता ने सर को एमपी बनाया, एमएलए बनाया और एक बार फिर हरिद्वार से ही चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं और चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं और इस वक्त अपनी शक्ति दिखा रही है कांग्रेस। सर, हरिद्वार सीट में क्या कुछ खास है? हरिद्वार की सीट का बहुत बड़ा महत्व है और हम बहुत वर्षों से नहीं जीते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार हरिद्वार हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें और स्पष्ट 11 के 11 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। एक बार फिर सत्ता में आने का बुलंद इरादा लिए हुए हरीश रावत उतर चुके हैं हरिद्वार की ग्रामीण सीट से, इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पूरा विश्वास है, हौसला है कि इस बार फिर जनता उन्हें भारी बहुमत के साथ मैदान में उतारेगी और सत्ता पर काबिज होंगे। एक और सवाल पूछते हैं कि अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो आखिर क्या कुछ सपने हैं जो पूरा करना चाहेंगे? हरीश जी, अगर एक बार फिर सत्ता मिलती है, एक बार फिर आते हैं मैदान में, तो क्या कुछ सपने होंगे जिन्हें पूरा करना चाहेंगे? हम जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, हमने उसके अनुसार 2-2.5 साल काम किया है, हम उनको और आगे बढ़ाएंगे और एक जन आकांक्षा का उत्तराखंडियत के एजेंडे पर काम करने वाले उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। कुछ सपने ऐसे थे जो पिछले कार्यकाल में पूरे हुए और कुछ ऐसे थे जो कि अधूरे रह गए, तो बात ये भी करेंगे कि क्या कुछ सपने ऐसे हैं जिन्हें इस बार पूरा करना चाहेंगे। इस बार कांग्रेस क्या कुछ चाहती है, क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या कुछ प्लानिंग ऐसी है जिनके जरिए वो मैदान में उतरी है और अपना भाग्य आजमाने की पूरी कोशिश करेगी कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा। सर, कुछ सपने बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सपने ऐसे जो पूरे नहीं हो पाए हैं और जिन्हें आने वाले 5 साल में पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, क्या सपने ऐसे जो इस बार पूरे नहीं हो पाए, अगले आने वाले साल में पूरा करेंगे? मैंने जो एजेंडा निर्धारित किया था, जो काम मुझको सौंपा गया था 2014 में, उसको बहुत शान के साथ पूरा किया है। लेकिन हमेशा विकास एक आगे को बढ़ने वाली श्रृंखला होती है, जहाँ तक आप पहुँचते हैं वहाँ से आपको और आगे माइलस्टोन बढ़ाना पड़ता है और हमारा माइलस्टोन भी एक संपन्न खुशहाल उत्तराखंड का निर्माण है। तो संपन्न उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, खुशहाल उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, विकास की बयार बहाना चाहते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं कि अगर इस बार सत्ता में आए तो बहुत कुछ बदल देंगे। अगले 5 साल में कैसी होगी उत्तराखंड की तस्वीर, ये भी जानते हैं कि आखिर 5 साल में क्या कुछ कर पाएंगे। अगले 5 साल में हरीश जी, अगले 5 साल में कांग्रेस को कहां देखना चाहते हैं? अगले 5 साल बाद कैसी होगी उत्तराखंड की तस्वीर? उत्तराखंड देश के इस समय भी 6 अग्रगणी राज्यों में विकास के पैरामीटर्स के हिसाब से है और हम चाहेंगे कि हम शीर्ष 2-3 राज्यों में आए और जहां जनता की खुशहाली इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस उसके हमारे सिटीजन्स का, हमारे राज्य के, राज्य की सफलता का मानक होगा। और एक आखिरी सवाल है हरीश रावत जो सीएम है उनसे, ये है कि विरोधियों ने बहुत कोशिश करी, सरकार गिराने की कोशिश करी, तगला पलट करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक हरीश रावत ऐसा नाम है जो कि शेर की तरह जंगल में राजा की तरह राज करते हैं और जनता का लगातार विश्वास भी जीतते हैं, जनता लगातार उन पर भरोसा करती है, जन जन के नेता हैं और जन जन के नेता हैं, घर घर तक सीएम की पहुंच है। हरीश जी, जनता के बीच आप जन जन तक पहुंच चुके हैं, लोग आपको नाम से, शक्ल से जानते हैं, अपना ही नेता समझते हैं। एक जन सेवक के लिए इससे बड़ा और कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता कि उसके लोग उससे प्यार करें, उससे अपेक्षा करें
और उसको अच्छी तरीके से जाने, और मुझे फख्र है कि मैं उत्तराखंड के लोगों के बीच में अपनी एक बेटे भाई सेवक की छवि बना सका। सर, विरोधियों ने बहुत कोशिश की है आपका सिंहासन हिलाने की, क्या कुछ चुनौती देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, मैं लोकतंत्र का सेवक हूँ, हाथ जोड़ करके राजनीति करने वाला हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे निरंतर केंद्र सरकार द्वारा और शक्तिशाली लोगों द्वारा जो है पदस्थ करने की कोशिश की जाती रही, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जाता रहा है, और मैं न्यायपालिका और राज्य की जनता का आभारी हूँ कि लोकतंत्र की उत्तराखंड में रक्षा हो सकी। सर, एक आखिरी सवाल, जनता के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? आए हमको एक बार फिर 5 साल के लिए बहुत अच्छा बहुमत दें, एक स्पष्ट बहुमत दें, ताकि मैं एक रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, खुशहाल उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम कर सकूं। तो ये थे उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत, जो कि इस वक्त एक रोड शो में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लोगों के बीच एक विश्वास जगा रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस सत्ता में फिर आई तो फिर वो तस्वीर बदलना चाहेंगे। उत्तराखंड में बहुत से सपने ऐसे रह गए जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए, और अगर 5 साल के लिए दोबारा सत्ता में आए तो बहुत से अधूरे सपने अब पूरे हो जाएंगे। हरिद्वार से कैमरामैन कमलेश कमल के साथ गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट न्यूज के लिए।